In our last session, we have discussed about the NumPy. Now we have discussed about the difference between the list and NumPy array. List and NumPy array को describe करने के लिए या compare करने के लिए सर हम बात कर लेते हैं. List is a heterogeneous data types. Means इसके अंदर जो values put होती हैं वो किसी भी type की हो सकती हैं. कोई भी उसके अंदर हम int, float, character कैसे कुछ भी use कर सकते हैं. और लेकिन array के अंदर केवल homogeneous values ही put होंगी. Just like अगर आप integer में work कर रहे हैं तो सारी values integer होंगी. अगर आप character में काम करना है तो character values होंगी. Float में काम करना है सारी values float होंगी. इसकी और second thing is list के अंदर हम elements को remove भी कर सकते हैं और add भी कर सकते हैं. At the time of working, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारी requirement है, तो हम elements remove किया सकते हैं और add किया सकते हैं. But in array, it is not possible to add or remove the elements in the array list. List as compared to array थोड़ा slower होता है और array हमारा थोड़ा fast work करता है memory storage करने में भी और work करने में भी. Reason is that कि array के अंदर जो values होती हैं same होती है तो हमारे computer का memory कम use करनी पड़ती है, कम time consume होता है और data हमारा work तेज़ी से करता है, हमारी processing fast हो जाती है. Memory consumption भी list के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है और हमारे array में कम होता है. Reason is that क्योंकि इसमें मेमोरी के जो स्पेस है वो कम यूज़ होगा, क्योंकि हमारा एक तरह का ही डेटा टाइप यूज़ हो रहा है तो हमारा कंप्यूटर उसी तरह का डेटा टाइप में वर्क करता रहेगा. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द NumPy एंड द लिस्ट. नाउ द वी डिस्कस अबाउट द हाउ टू क्रिएट द एरे. एरे किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है. एरे को क्रिएट करने के लिए हम 8 टाइप्स के फंक्शन यूज़ करते हैं. दैट इज़ एरे, जीरोज, वंस, अरेंज, लाइन स्पेस, कॉपी, रीशेप एंड आइडेंटिटी. Now we discuss about this. Number one, import numpy as np. क्योंकि हमें numpy में काम करना है तो सबसे पहले हमें numpy की लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया और उसकी जो वेरिएबल था np उसको डिक्लेयर कर दिया. इसके बाद हम एक लिस्ट एरे ले लेते हैं जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिए और अब उसमें हम पुट कर रहे हैं एरे को. ये एक तरीका है कि हमने एक एरे का नाम दिया ar1, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं. देन उसका वेरिएबल नेम जो कि numpy की लाइब्रेरी है डॉट एरे और ब्रैकेट में जो भी हमने एलिमेंट्स लिए उनको यूज़ करेंगे. तब हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा और ये जो एरे प्रिंट होगा ये numpy का एरे कहलाएगा, यानी कि इसके आंसर सारे एरे में स्टोर हो जाएगा. इन केस अगर हम जीरो यूज़ कर रहे हैं, अगर हम जीरो फंक्शन के थ्रू एरे का यूज़ कर रहे हैं तो हमें बताना होगा हमें कितने एलिमेंट्स तक जीरो वर्क करानी है. हमने लिखा एरे वन इक्वल numpy np.0 और ब्रैकेट में 5 लिख दिया ऐसे, तो 5 जीरोज आपकी प्रिंट हो जाएंगी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये 5 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी. सेकंड वन इज़ वंस, ONES वंस. इसमें भी हमने जो भी नंबर पुट किया उसी तरह से हमारे उतने डिजिट्स के नंबर अपने प्रॉपर गैप के अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अरेंज. अरेंज का मतलब होता है हम कितने एलिमेंट्स से कितने एलिमेंट्स तक इसमें अरेंज कर रहे हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है 2.7 मीन्स 2 से लेकर के 7 तक के एलिमेंट्स इसके अंदर इनपुट हो सकते हैं और वो हमारे एलिमेंट्स प्रॉपर ढंग से अरेंज हो जाएंगे और उसके बाद हमारे स्क्रीन पर इनपुट होंगे. तो जैसे ही हमने यहाँ पे दिया तो इसके हमारे प्रिंट हो गया 2, 3, 4, 5, 6. क्यों? रीज़न इसका 2 से स्टार्ट हुआ और 7 तक, क्योंकि 7 इज़ एन माइनस 1 की सीरीज़ में हम चलते हैं तो एक एलिमेंट्स को लास्ट के एलिमेंट को स्किप कर देता है तो हमारे 6 एलिमेंट्स तक ये प्रिंट हो जाएंगे. नेक्स्ट वन इज़ लाइन स्पेस. अगर हमें एरे के अंदर लाइन स्पेस देना है तो हमने उसके लिए भी पुट किया हुआ है. हमने दिया आपका 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक मूव करेगा और 10 का लाइन स्पेस देगा. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट एंड दिस इज़ द गैपिंग पॉइंट. तो यहाँ पे आपका 10 माइक्रो स्पेस का गैप बनाएगा वो 10 का और ये एलिमेंट्स आपके 9 पर ओवर हो जाएंगे. रीज़न इज़ दैट क्योंकि ये एन माइनस 1 तक मूव करेगा, 1 से लेकर एन माइनस 1 तक एंट्री मूव हुई और 10 के गैप में ये एंट्री होती चली जाएंगी. दिस इज़ द लाइन स्पेस. नेक्स्ट वन इज़ आपका जो यूज़ हो रहा है इसके लाइन स्पेस के बाद कॉपी. ये आपके एलिमेंट्स को कॉपी करता चला जाएगा और आपके एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस कॉपी हो जाते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स के अंदर. यानी कि हमने जो एक्स में एलिमेंट्स डाले हैं वो अब हम यहाँ से पुट कर देते हैं दूसरे एलिमेंट्स में और वो डेटा आपका कॉपी हो जाएगा. और उसे कॉपी करने के लिए आपको सिंपल ऐसे ही लिख देना है जैसे हमने लिख दिया np.copy. और जैसे ही हम इसमें कॉपी करते हैं तो जो भी एलिमेंट्स हमारे एक्स में थे वो सारे के सारे आपके जेड एलिमेंट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इस तरह से हमारा डेटा दूसरे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट कॉपी किया जा सकता है.
इसका ज़रूरत कब पड़ती है, मान लीजिए कई बार आपको कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई इसी तरह कोई वर्क करना है, लेकिन आपको लगता है कि हमारा मेन एलिमेंट जो कि हमारे एक्स के अंदर सारे डेटा स्टोर है वो डिस्टर्ब ना हो, तो हमने अपने सारे डेटा को दूसरी एलिमेंट दूसरे किसी वेरिएबल में कॉपी कर लिया और हम इसको यूज़ कर पा रहे, जस्ट लाइक आप कंप्यूटर में सेव एज यूज़ करते हैं, जहाँ पर आप एक डेटा को दूसरे वहाँ पर कॉपी यूज़ कर पाते हैं, दिस इज़ द कॉपी ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज़ रीशेप। रीशेप का मतलब होता है एरे की शेप को चेंज करना। हमने यहाँ मेंशन किया एक एरे बनाया, एरे के अंदर मेंशन कर दिया 2, 3 मींस 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। आप नोटिस कर रहे हैं 1, 2, 3 आपके 3 कॉलम्स बन गए और रोज हो गए, जो भी एलिमेंट्स है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, पहले आपकी 2 रोज बनेंगी और फिर कॉलम्स। तो यानी कि अगर हमें डेटा को आपका फॉर्मेट में है उसको शेप चेंज करनी है, उसको रो कॉलम में डिवाइड करना है, तो हम यूज़ करते हैं रीशेप ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी। ये बेसिकली मैट्रिक्स का एक पार्ट है। मैट्रिक्स का पार्ट होने का मतलब होता है कि आप मैट्रिक्स किस तरह से इसमें अरेंज करना चाहते हैं। मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी का मीनिंग होता है 0 और 1 की वैल्यूज़ को प्रिंट करना, ओनली 0 और 1 प्रिंट होता है, हमने दिया मैट्रिक्स 4, यानी कि ये 4-4 की मैट्रिक्स बन जाएगी 4 रोज एंड 4 कॉलम्स में। ये मैट्रिक्स के रूल्स हैं 1, 0, 0, उसके बाद 0 का 1, 1, ये डायगोनली आपका 1, 1, 1 प्रिंट हो जाता है इसमें, अगर आपका तो ये आपका कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ द ऑपरेशन ऑफ एन नंपाई एरे। नंपाई में कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, इन ऑपरेशंस में सबसे पहला ऑपरेशन होता है आपका स्लाइसिंग। स्लाइसिंग बेसिकली क्या होता है, आपके जो आपके पास डेटा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मींस दैट ए सबसीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी इंडेक्स्ड एंड रिट्रीव्ड। यानी कि जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका इंडेक्स है, जो भी आपके सीक्वेंस बनाया हुआ है, उसको उसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना। ठीक है, हमने एक एलिमेंट लिया, एक एरे लिया जिसके अंदर हमने 3 वैल्यूज पुट कराई हैं, एक तो ये हो गया पूरा, दूसरा ये एंड तीसरा ये, 3 माने जाएंगे इसमें। फर्स्ट वन को आप 0 मान सकते हैं, सेकंड वन को 1 और दूसरे को 2, ये आपका इंडेक्सिंग वैल्यू हो गया जिसे सब्सक्रिप्टिंग वैल्यू भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर 0 के अंदर भी 4 पार्ट्स हो गए, सब 1 के अंदर 4 पार्ट्स एंड 2 के अंदर 4 पार्ट्स, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। नंबर 1 पे हमें एक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कंपलसरी आता है, बोर्ड एग्जाम में दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर हाल में आना ही आना है। जैसे इसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए सिंगल कोट्स और 2, उसका दिया हुआ है फिर कॉलन 3, मींस इज दैट कि सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग से लेकर के वैल्यू 2 तक मूव करेगी। मींस आपने नोटिस कर रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं, तो 2 तक मूव करने मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट यूज होगा। ठीक है, ये एलिमेंट्स कोई कहाँ बात नहीं, हट जाना, ए एलिमेंट और ये एलिमेंट शो करेगा। नंबर 1 पे 0 एलिमेंट और दिस इज द 1 एलिमेंट। ठीक है, जिस फिर और यहाँ पर हमें 2 तक चलना है और यहाँ पे 3 तक चलना है। 3 का मतलब इसके अंदर 2, 3 तक और इसके अंदर भी 3 तक, यानी कि हमने लिया 0, 1, 2, 0, 1, 2, इसी तरह से 0, 1, 2, 0, 1, 2। ठीक है, क्योंकि 3 को हम ले नहीं सकते n-1 के रूल से, तो दिस इज़ द आंसर। अगर हम ये लिखते हैं तो इसका आंसर इस तरह निकल आएगा। सेकंड थिंग हम लेते हैं कॉलन के बाद 3, फिर डबल कॉलन के बाद 2। ठीक है, अगर हमने इस तरह से ले रहे हैं तो यानी कि स्टार्टिंग से लेकर 3 पॉइंट तक मूव करेगा। 3 पॉइंट का मतलब ये वाला भी यूज़ होगा, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, तीनों ही है जो हमारे कॉलन्स जो भी हमारी हैं, यानी 0 वाली वैल्यू, 1 वाली वैल्यू और 2 वाली वैल्यू, लेकिन उनके अंदर 2 तक मूवमेंट होगी। मींस और एक एक अगर ये है हमारा 2 बार लग जाता है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 2 बार यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब तो अल्टरनेट वैल्यू को शो कराना, एक वैल्यू छोड़ के एक वैल्यू, जस्ट लाइक पहले एक वैल्यू 7 लिया फिर 9 ले लिया, दूसरे के लिए 7, 8 करने के लिए पहले 7 ले लिया फिर 8 ले लिया, इसी तरह 1 और 6 लिया, एक एक वैल्यू अल्टरनेट वैल्यू को हम छोड़ते चले आते हैं तब हमारी वैल्यू कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वन देखिए, हम यहाँ दे रहे हैं ए फिर कॉलन कॉमा 0, मीन्स आपको 0 एलिमेंट लेना है केवल और सब में से लेना है, कि कॉलन लगा हुआ है हमने मेंशन नहीं किया है हमें कौन सी एलिमेंट लेना है, तो तीनों में से हम ये वाला और ये वाला तीनों के 0 एलिमेंट को ले लेंगे। हमारे फर्स्ट का 0 एलिमेंट ये हो गया, सेकंड का 0 एलिमेंट एंड थर्ड का 0 एलिमेंट, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट वन इज आपका 0 से स्टार्ट कर कॉलन तक मूव करेगा, मीन सभी के अंदर आपको इसमें से 0 एलिमेंट लेना है और कोई भी एलिमेंट नहीं लेना, तो 0 एलिमेंट पूरा वाला ही सारा आ जाएगा एज इट इज़। तो अभी देख रहे हैं 0 वाला पूरा एलिमेंट आ गया, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो से अगर इस तरह लिखते हैं तो भी इसका आंसर इसी तरह से पुट होगा, दिस इज़ अ स्लाइसिंग। हम एक और एग्जांपल के थ्रू आपको एक बार समझा देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने फिर से एक और एरे लिया जिसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स इस तरह से पुट कराए हुए हैं, यहाँ भी हम सेम प्रोसेस वही कर रहे हैं। हमने पहले दिया ए कॉलन 2, मीन्स ए फर्स्ट एलिमेंट लेंगे हम इसका
और ये 2 तक मूव करेगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कौन सा है, दिस इज़ द 0, दिस इज़ द 1 एंड दिस इज़ द 2। तो फर्स्ट की बात हो रही है, फर्स्ट ये वाला आया, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स तक हम मूवमेंट कराएंगे, यानी 0 एंड 1 ले लिया, ठीक है। और ये इसके बाद कह रहा है 0 से 4 तक मूवमेंट इसकी आगे तक होगी, यानी कि ये 4 एलिमेंट्स इसके सारे प्रिंट हो जाएंगे आगे तक, ठीक है। तो ये आपका 0 5 6 7 8। नेक्स्ट वन इज ए कॉलन 2 और फिर 1 कॉलन 2, मीन्स इसके अंदर भी आप सेकंड एलिमेंट ही उठाएंगे यहाँ से, लेकिन आपको 0 एलिमेंट नहीं लेना है, तो आप इसका 1 एलिमेंट ले लेंगे और दोनों में सेम वैल्यू है तो 6 प्रिंट हो जाएगा, दैट्स एनफ। नेक्स्ट वन इज कॉलन 2 और 0 कॉलन 2। कॉलन 2 का मतलब है कि आप सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं 0 से लेकर के और 1 तक मूवमेंट होगी, यानी ये वाला और ये वाला वर्क करेगा सिर्फ। और उसके अंदर भी आप 2 लेने हैं, दैट मीन्स 1 एंड 2 1 एंड 2, क्लियर। यानी 1 एंड 2, 0 एलिमेंट 1 एलिमेंट 0 एलिमेंट 1 एलिमेंट। नेक्स्ट वन इज कॉलन 2 से लेकर के 1 कॉलन 2 तक जाएगा। कॉलन 2 का मतलब हो गया कि आपका ये वाला एलिमेंट वर्क करेगा पूरा, ये वाला एलिमेंट पूरा वर्क करेगा, और इसके अंदर भी हम 0 एलिमेंट को छोड़ देंगे, यानी 1 एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे 2 तक जाएंगे। 1 एलिमेंट हमारा 2 है एंड 2 तक जाना है, इसलिए एक एलिमेंट लेंगे, 2 और 3 आ गया, और यहाँ से हम लेते हैं 6 एंड 7 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज 1 कॉलन 3 एंड 2 कॉलन 4। अब इसको हम इसके डिस्क्राइब करें, मींस आपको 1 का मतलब है कि आपको 0 एलिमेंट को छोड़ देना है, तो ये पूरा एलिमेंट आप छोड़ देंगे, यहाँ से आप वर्क स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी 2 एलिमेंट को लेना है, 0 एंड 1 को छोड़ा, 2 ले लिया और 4 तक जाएगा, 2 और 3 दोनों आ जाएंगे 7 8, और दूसरे वाले के अंदर 11 एंड 12 आ जाएगा। तो दिस इज द स्लाइसिंग, ये मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए जो स्लाइसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, और हमारी स्लाइसिंग इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है वर्क, ठीक है। आज के सेशन में यहीं तक रखेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन में इससे अगला टॉपिक और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश। आप लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं हमारे स्लाइसिंग से आपकी बुक में मेंशन भी हैं, आप 1-2 क्वेश्चन उसमें से कर लें ये अपनी नोटबुक में, ताकि उसका भी शॉर्ट आउट किया जाए, कोई प्रॉब्लम्स होगी तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे उसको। थैंक यू।